हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। सिंपल ब्लाउज फॉर टक्स का किस तरह कट किया जाता है उसका कटिंग बताएंगे। एक व्यूवर्स ने मेजरमेंट भेजा था कि सर इसको एक्सप्लेन करके बताइए किस तरह से कटिंग किया जाता है। एक व्यूवर्स ने मेजरमेंट भेजा था कि सर इसमें 3 डॉट ब्लाउज टक्स वाला ब्लाउज कटिंग करके बताइए, तो उसी का ये मेजरमेंट है। इसमें सिलीज का मेजरमेंट नहीं दिया, खाली सिर्फ बैक एंड फ्रंट आपको कटिंग करके बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग स्टार्ट करने से पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। देखिए, ब्लाउज का जो लेंथ है 14 इंच है, शोल्डर 15 इंच, आर्म होल 16 इंच, अपर चेस्ट का मेजरमेंट नहीं दिया था, तो हम अपने से 36 इंच रख लिए हैं। चेस्ट 37 है इसका, वेस्ट 28 इंच है, मतलब 28 इंच। अब बैक का जो डिप रहेगा वो 9 इंच पे रहेगा, और फ्रंट का डिप 6 इंच पे रहेगा। फ्रंट का डिप भी नहीं दिया था, लेकिन मैं अपना तरफ से 6 इंच रख के अभी इसको कटिंग करेंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। मार्किंग करने के बाद देखिए, ब्लाउज का जो लेंथ है 14 इंच है, तो सीधा 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। देखिए, सीधा 15 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। आर्मोल का जो डॉन है वो 6 इंच पे लेंगे इस तरह से। देखिए, आर्मोल का डॉन 6 इंच पे ले लेना आपको, सेम इसी तरह से 15 इंच पे, 6 इंच पे, 15 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लें। मार्किंग करने के बाद इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद वेस्ट देखिए इसको लिख लेंगे, पहले 28 है। 28 लिखने के बाद देखिए, इस तरफ 7 इंच होता है चौथा भाग उसका, तो इस तरह से मार्क करेंगे 7 इंच पे, 1 इंच डॉट के लिए दे देंगे। देखिए इस तरह से 1 इंच डॉट के लिए दे देना है। अपर चेस्ट इसका 36 है, तो चौथा भाग उसका 9 इंच होता है, इस तरह से 9 इंच पे पहले मार्किंग करेंगे। जब 9 इंच डीप हो तो पाव इंच क्वार्टर इंच आपको लूज रखना है, तो इस तरह से आपको लूज रख लेना है। लूज रख लेने के बाद देखिए, इस मार्किंग से आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग हो जाने के बाद देखिए, शोल्डर का मार्किंग करेंगे, 15 इंच है, तो उसका दूसरा भाग यहाँ पे दूसरा भाग ही लिया जाता है। 15 का दूसरा भाग 7.5 इंच आएगा, 7.5 इंच पे 9 इंच डीप रहेगा। तब जब 9 इंच डीप हो, 1.5 इंच माइनस कर देना है आपको 9 इंच डीप में, मतलब जितना भी शोल्डर हो 9 इंच डीप रहेगा, तब आपका 1.5 इंच माइनस करना है हर एक को। तो इस तरह से पहले स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। देखिए, ये लाइन दोनों बराबर होना चाहिए, तो इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग करने के बाद देखिए, हाफ इंच क्रॉस मार्किंग कर लेंगे इस तरह से क्रॉस मार्किंग करने के बाद आपको आर्मोल का सिर्फ 1 इंच छोड़ के देना है, इधर से 1.5 इंच छोड़ के इस तरह से सेंटर में देखिए मिलाना है आपको, इस तरह से सेंटर में मिला ले। मिलाने के बाद देखिए, इस तरह से यहाँ पे आपको मिला लेना है। देखिए, इसका शोल्डर का जो चौड़ाई है, देखिए शोल्डर का चौड़ाई 3.5 इंच, जितना मर्जी उतना दे सकते हैं, अभी 3.5 इंच दिए हैं इसको। देखिए, नेक का जो डिप है यहाँ से या फिर यहाँ से आप मार्किंग कर लें, हाफ इंच छोड़ के 9 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए, इस तरह से लाइन खींचने के बाद इसका ब्रॉड कम से कम 3.25 इंच या 3.5 इंच देंगे। देखिए, 3.5 इंच दे देते हैं आपको, अगर 3.25 इंच देना है तो 3.25 इंच ही दें। तो इस तरह से इसका शेप देंगे, देखिए इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद देखिए, आर्मोल 16 इंच है, तो यहाँ से आपको मेजर कर लेना है। देखिए इस तरह से आपको मेजर करना है। देखिए, 16 इंच है तो 16.5 इंच होना चाहिए। देखिए, 8.25 इंच बराबर आ रहा, तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। चलिए इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से।
इस तरह से कट करने के बाद चटका लगा लेंगे। देखिए इस तरह से आपको चटका लगा लेना है। देखिए इस लाइन से आपको कभी भी डॉट का मार्किंग करना है। अगर ब्रॉड ज़्यादा हो तब आपका इधर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखिए 4.5 इंच पे डॉट देंगे, 1/2 इंच नीचे की तरफ। तो इस तरह से देखिए मार्किंग व्हील चला लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए 1/2 इंच इस तरफ क्रॉस रखना है कभी भी। जब 9 इंच डीप हो, 9 इंच डीप रहेगा तो 1/2 इंच इस तरह से क्रॉस कर लेना है आपको। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे। इस तरह से पहले क्लीन से एरर मार के कभी भी आपको कटिंग करना है। इस तरह से देखिए 1.5 इंच छोड़ के आपको मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेना है आपको। उसके बाद देखिए जब 6 इंच डीप हो तब शोल्डर सेम टू सेम रखना है। देखिए फिर भी आपको बताते हैं। देखिए इस तरह से मार्किंग करें। शोल्डर 15 इंच है तो 7.5 इंच फिर रखेंगे उसी लाइन पे। उसके बाद 6 इंच माइनस करने के लिए 1/2 इंच माइनस कर देंगे। तो इस तरह से जब फ्रंट 6 इंच डीप हो 1/2 इंच माइनस होगा, और बैक 9 इंच डीप हो, 9 इंच डीप हो उसमें भी 1/2 इंच माइनस होगा। तो इस तरह से छापा कर लेंगे। देखिए आपको यहाँ से लेना है डॉट के लिए। देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर ले, हल्का सा नीचे करेंगे 1/4 इंच, सामने की तरफ ले जाएंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, डॉट आपका निकल जाएगा। देखिए इस तरह से डॉट निकल जाता है। आपको इस लाइन से नेक का मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस लाइन से 6 इंच पे आपको मार्किंग कर लेंगे नेक का। आपको मार्किंग कर लेना है नेक का इस तरह से 6.5 इंच, 3.5 इंच इस तरफ दिए हैं। तो इस तरह से राउंड शेप देंगे। देखिए इसका डॉट पॉइंट जो है 38 साइज के लिए, 37 साइज के लिए 9.5 इंच होगा। देखिए इसका डॉट पॉइंट जो है 9.5 इंच होना चाहिए। 9.5 इंच यहाँ से देखिए, यहाँ से 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद चेस्ट का 13वां भाग लेंगे, 2/3 इंच होता है। उसके बाद 1/4 इंच आपको मार्जिन के लिए ले लेना है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद सीधा लाइन खींचेंगे। इस तरफ आपको 1/4 इंच रखना है, इस तरफ भी 1/4 इंच रखेंगे। 4 डॉट से बनाएंगे इसको। देखिए इस तरफ का जो डॉट है 3 इंच का दे देंगे, 2.5 इंच का देंगे, सॉरी 2.5 इंच का डॉट इस तरफ देंगे। देखिए इस तरफ 2.5 इंच का डॉट देंगे। ये और ये लाइन का जो सेंटर में लेना है, कभी भी दोनों लाइन के सेंटर में इस तरह से आपको ले लेना है। लेने के बाद देखिए इसको मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ आपको 1/2 इंच इस लाइन के सेंटर में लेना है। इस तरफ का भी मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरफ 3.5 इंच, 3.5 इंच आप रख सकते हैं, 3.5 इंच रख लिए। इस तरह से मार्जिन के लिए आपको मार्किंग करना है। देखिए इस तरफ आपको 2 इंच रख के मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ देखिए आपको 2.5 इंच रख के, 2.5 इंच रख के इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद देखिए मार्किंग करने के बाद इस तरफ देखिए जितना है 3.5 इंच
28 का 7 इंच पे रखेंगे, 3.5 इंच माइनस कर, 3.5 इंच माइनस करने के बाद हाफ इंच आपको इस तरफ थोड़ा ज़्यादा देना है, कभी भी वेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है इस तरफ। उसके बाद पहला मार्किंग करेंगे, उसके बाद दूसरा मार्किंग भी आपको इस तरह से कर लेना है। चलिए कटिंग कर लेते हैं, तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है, इस तरफ भी कटिंग करना है। नेक के तरफ मार्जिन छोड़ के कट करना है, 1/4 इंच क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ना है। इस तरह से घुमा के आर्मोल को भी आपको कटिंग कर लेना है। उसके बाद डॉट के पास चटका लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह से चटका लगा लें। चटका लगाने के बाद देखिए दोनों डॉट को मिला के इस तरह से आपको रखना है। दोनों डॉट मिला के इस तरह से रखना है। रखने के बाद देखिए इस लेंथ से आपको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है, सिर्फ यहाँ तक ही कट करें, इस तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर से देखिए चटका लगा लेंगे, हल्का सा इस तरफ कम कर लेंगे। उसके बाद देखिए बेल्ट कट करने के लिए इस तरह से आपको पहले मार्किंग के पास रख लेना है। रखने के बाद देखिए बेल्ट इसका कम से कम 3.5 इंच का देंगे, 1/4 इंच डॉट के लिए देंगे साइड में, बाकी का जो मार्जिंग है उसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से फोल्डिंग कर लें डॉट का सेंटर लेंथ से। उसके बाद देखिए इस तरह से मार्किंग कर लें, मार्किंग करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है, व्हील चला लें इसके ऊपर। अब उसके बाद देखिए यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे सेट डॉट के लिए। उसके बाद देखिए इसको माप लेना है आपको 9.5 इंच, 9.5 इंच ये है, प्लस प्लस यहाँ से 3.5 इंच लेना है। देखिए 3.5 इंच यहाँ से लेंगे, इतना मार्जिन के लिए रहेगा, सिलाई मार्जिन के लिए। देखिए इस तरफ चाहिए इतना, तो इस तरह से मार्किंग कर लेना आपको। चलिए बेल्ट कितना आएगा देखिए, बेल्ट है इसका कटिंग करेंगे। देखिए इस लेंथ से आपको बेल्ट मार्किंग करना है। देखिए इस तरफ मार्किंग कर लेंगे उसको, देखिए यहाँ पे 3.5 इंच का बेल्ट रहेगा। इस तरह आपको 3.5 इंच का बेल्ट रखना है। इस तरफ एक मार्किंग करेंगे बेल्ट कट करने के लिए, नीचे की तरफ भी इस तरह एक मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच बेल्ट है तो 4.25 इंच लेंगे इस तरह से। सेकेंड मार्किंग भी आपको इस तरह से कर लेना है। करने के बाद देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, हल्का सा देखिए डाउन करेंगे 1/2 इंच। कमर इसका 28 इंच है तो 7 इंच रखेंगे, 2.25 इंच मार्जिन के लिए स्ट्रेट मार्किंग करेंगे, हल्का सा डाउन करेंगे इस तरह से क्रॉस करेंगे, 4.25 इंच, 4.25 इंच इस तरफ रखेंगे। इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे इस तरह। उसके बाद देखिए यहाँ से 1 इंच डाउन में आपको मार्किंग कर लेना है, तो इस तरह से मार्किंग हो जाता है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है, कटिंग कर लेना है, तो इस तरह से बेल्ट का भी कटिंग पूरा हो गया। हाँ, इसका बैक नेक भी आपको कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग पूरा हो गया। नेक्स्ट कटिंग में फिर मिलते हैं। हमारा कटिंग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।